दोस्तों अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं भारत बांग्लादेश के पहले टेस्ट के दूसरे दिन के हाईलाइट वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है। और दोस्तों एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर यह मुकाबला जब शुरू हुआ था तो यहां पर बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांटू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। अब यहां पर भारत की टीम ने 6 विकेट मात्र 144 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। तब तो ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम 200 रन के करीब भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा की 86 और रविचंद्रन अश्विन की 113 रन की पारी के बलबूते पर भारत की टीम ने इस मुकाबले में वापसी की। और इस दौरान भारत ने आज दूसरे दिन मैच जब शुरू हुआ तो उसके बाद और 50 रन जोड़ लिए और 376 रन टीम इंडिया बनाने में कामयाब हो सकी। और दोस्तों 377 रन बांग्लादेश की टीम को पहली पारी में बनाने बेहद ही जरूरी थे। हालांकि दोस्तों आप सभी यहां पर भारत के बल्लेबाजों का अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो आप सभी यहां पाओगे कि आकाशदीप ने जहां 17 रन बनाए तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 86 रन की पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज फिर टीम इंडिया का साथ निभा नहीं पाया और भारत के 10 विकेट के नुकसान पर 176 रन ही बन पाए। अब दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा इस मुकाबले में 5 विकेट हसन महमूद को मिले तो 3 विकेट तस्कीन अहमद के नाम रहे तो एक एक विकेट नाहिद राणा और मेदी हसन मिराज को मिला। अब दोस्तों बारी थी भारतीय गेंदबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की। इस बीच सादमान इस्लाम और जाकिर हसन ने पारी की शुरुआत की। अब दोनों बल्लेबाजों से बांग्लादेश को काफी उम्मीदें थी कि यहां पर अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों अपना पहला ही ओवर करवाने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को सादमान इस्लाम को आउट करके दिया। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि सादमान इस्लाम मात्र 2 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर की छठी गेंद को पूरी तरह सेटअप कर डाला और आउटसाइड ऑफ गेंद समझकर सादमान इस्लाम गेंद को छोड़ने के लिए चले गए और गेंद टर्न लेती हुई सीधा गिल्लियां उनके उखाड़ फेंकी और जिसके चलते भारत को यह पहली बड़ी सफलता मिली। अब दोस्तों सादमान इस्लाम के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे नजमुल हुसैन शांटू, जहां कप्तान नजमुल और जाकिर हसन के बीच साझेदारी आगे बढ़ती। उससे पहले ही जाकिर हसन मात्र 3 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने। जी हां दोस्तों, आकाशदीप ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर जाकिर हसन को अंदर आती हुई लेंथ की गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया और ये दो बड़े झटके जब बांग्लादेश को लगे तब मात्र बांग्लादेश की टीम का स्कोर 22 रन पर था। अब दोस्तों यहां से भारत की टीम को जल्द से जल्द विकेट बांग्लादेश के चटकाने बेहद ही जरूरी थे। अब यहां नजमुल हुसैन शांटू और मोमिनुल हक साझेदारी को संभालने के लिए मैदान पर थे, लेकिन दोस्तों मोमिनुल हक को इसी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप ने बोल्ड आउट कर दिया और ये दो बड़े झटके बांग्लादेश की टीम को लगे और वो भी एक ही ओवर में। तो ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश ने 22 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े विकेट अपने गंवा दिए थे। भारत की टीम ने पूरी तरह से दबदबा अपना बना के रखा हुआ था। यहां पर नजमुल हुसैन शांटू भले 20 रन बनाकर खेल रहे थे और अब उनका साथ निभाने के लिए मुशफिकुर रहीम आ चुके थे, लेकिन दोस्तों नजमुल हुसैन शांटू इस मैदान पर मात्र 20 रन बनाकर ही आउट हुए और मोहम्मद सिराज ने उनको अपने जाल में फंसाया। तो वहीं मुशफिकुर रहीम भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए और 8 रन की पारी उनके बल्ले से निकली। अब दोस्तों बांग्लादेश ने अपने 5 बड़े विकेट मात्र 40 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। भारत की टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली थी। अब दोस्तों शाकिब अल हसन और लिटन दास ने मिलकर 41 रन की साझेदारी कर ली थी, लेकिन दोस्तों लिटन दास जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी क्या पता था कि अचानक से कप्तान रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा को भेज देंगे। और दोस्तों रविंद्र जडेजा जैसे ही मैदान पर आए यहां उन्होंने लिटन दास को 22 रन पर ही आउट कर दिया और यहां ये छठा झटका बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे ज्यादा मुसीबतें लेकर आया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश को अभी भी यहां से बनाने के लिए 270 रन चाहिए थे वरना टीम इंडिया इस मैच में काफी आगे बढ़ जाती और शाकिब अल हसन बस एक मात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो कि अपनी टीम को अकेले दम पर संभाले हुए थे। लेकिन दोस्तों शाकिब अल हसन भी आखिरकार कब तक पारी को संभाल पाते। यहां पर रविंद्र जडेजा ने शाकिब अल हसन का भी विकेट 32 रन पर गिरा दिया और यहां 92 रन के कुल स्कोर पर 7 बड़े झटके बांग्लादेश की टीम को लग चुके थे। अब इस बीच मेदी हसन मिराज और हसन महमूद
ने पूरी कोशिश करी अपनी टीम के लिए स्कोर को बचाने की, लेकिन दोस्तों हसन महमूद भी 9 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह को अपना विकेट दे बैठे और जसप्रीत बुमराह ने यहां 3 बड़े विकेट हासिल करके पूरी तरह से दबाव बांग्लादेश के अगेंस्ट में डाल दिया था। और दोस्तों यहां पर अब बांग्लादेश की टीम ने चाय काल समाप्त होने तक 8 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए थे और भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले तो 2-2 विकेट आकाशदीप और रविंद्र जडेजा के नाम रहे। अब दोस्तों चाय काल के बाद जब मैच शुरू हुआ तो फिर बांग्लादेश की टीम के बस 2 ही विकेट बचे हुए थे और वो भी गिराने का काम यहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर कर दिया। दरअसल दोस्तों इस दौरान तस्कीन अहमद जो कि 11 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने तो वहीं अपना 5 विकेट हॉल पूरा करने के लिए नाहिद राणा को आउट करना बेहद ही जरूरी जसप्रीत बुमराह के लिए था, लेकिन दोस्तों बुमराह यहां उनको आउट कर नहीं पाए और उनसे पहले मोहम्मद सिराज को ये विकेट मिल गया जिसके चलते यहां बांग्लादेश की पूरी पारी 149 रन पर ही ढेर हो गई। और दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 227 रन की बढ़त हासिल हुई। अब दोस्तों यहां भारतीय टीम को चाहिए था कि यहां बांग्लादेश के आगे 400 रन का स्कोर रखा जाए जिससे कि हमारी टीम मजबूत स्थिति में रहे। और दोस्तों इस बीच हम आपको बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट इस मैच में जसप्रीत बुमराह के नाम रहे जिन्होंने 11 ओवर डालते हुए 50 रन देकर यह सफलता हासिल की। तो वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले तो आकाशदीप के नाम भी 2 विकेट रहे, हालांकि यहां पर अश्विन का आज खाता खुल नहीं पाया और जडेजा को भी 2 विकेट मिले। तो दोस्तों अब बारी थी भारत के बल्लेबाजों की फिर से मैदान पर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की। इस बीच यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की। अब दोस्तों यहां हर कोई यही सोच रहा था कि भारत की टीम अब रुकने वाली नहीं है और छक्के चौकों की बौछार देखने के लिए हमें मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा के रूप में भारतीय टीम को तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर पहला बड़ा झटका लग गया और यहां रोहित शर्मा तस्कीन अहमद को भाग जाते हुए गेंद पर आउटसाइड ऑफ की तरफ शॉट खेलने के लिए चले गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा जाकिर हसन के हाथों में चली गई जिसके चलते यहां भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा और रोहित शर्मा मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों रोहित का विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे शुभमन गिल, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने यहां से पारी को संभाला और आज दूसरे दिन का मैच समाप्त होने तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 250 रन के पार लेकर गए। बाकी दोस्तों आप सब यहां पर पूरा स्कोर कार्ड आज दूसरे दिन का भी देख सकते हो जहां भारतीय टीम ने दमदार वापसी अभी इस मुकाबले में कर ली है। और दोस्तों टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखकर पूरा देश खुश है क्योंकि दोस्तों अब हमारी टीम इस टेस्ट मुकाबले में बिल्कुल भी हारने का तो नाम ही नहीं ले सकती क्योंकि अब दोस्तों 250 से ऊपर रन की बढ़त भारत के पास हो चुकी है और वैसे भी ये पिच बल्लेबाजों से ज्यादा मदद गेंदबाजों के लिए साबित कर रही है जिसका पूरा फायदा भारतीय गेंदबाज तो उठाना चाहेंगे ही और साथ में भारत की टीम अब कोशिश करेगी कि 400 रन पर ही पारी को घोषित कर दिया जाए। और दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद और आप दूसरे दिन का मैच देखकर टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।